नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। गोडा से हमारे संवाददाता जावेद अख्तर की रिपोर्ट। हनवारा महागामा प्रखंड अंतर्गत मदरसा बैतुल उलूम भैरोचक में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव के मिली भगत से MDM की राशि और चावल गमन का मामला प्रकाश में आया है। संयोजिका सच्ची खातून के साथ साथ बच्चे के अभिभावकों ने मदरसा के अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद और सचिव अब्दुल रशीद पर दबंगई करते हुए MDM राशि व चावल गमन का आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महागामा ने से लिखित शिकायत भी की है। आवेदन के प्रति उपायुक्त गोडा, जिला शिक्षा अधीक्षक गोडा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी गोडा को भी सौंपा गया है। लिखित आवेदन में कहा गया है कि मदरसा बैतुल उलूम भैरव चौक में जब से मोहम्मद अब्दुल रशीद सचिव बने हैं, तब से इस मदरसा में MDM की राशि और चावल का वितरण छात्रों के बीच सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इन लोगों के द्वारा दबंगई करते हुए MDM का चावल मदरसा में नहीं रखकर अध्यक्ष अपने घर पर स्थित पोल्ट्री फॉर्म में रखते हैं, जबकि चावल रखने के लिए मदरसे में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। चूंकि अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद पोल्ट्री फॉर्म भी चलाते हैं और MDM का चावल को मुर्गी के दाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सचिव मोहम्मद अब्दुल रशीद और अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद के द्वारा संयोजिका सच्ची खातून को बहकावे में डालकर रुपए की निकासी कर लेते हैं। जब संयोजिका सच्ची खातून के द्वारा अध्यक्ष और सचिव से हिसाब मांगा जाता है तो संयोजिका को धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि अगर तुम MDM का चावल और राशि का हिसाब लेगी तो तुम्हें अपने पद से हटा देंगे और किसी केस में फंसा कर तुझे वर्ष 2019 में सचिव और अध्यक्ष ने संयोजिका सच्ची खातून को मदरसा बुलवाया और MDM की 65,000 रुपये राशि का निकालने के लिए ग्रामीण बैंक नारायणी चलने को कहा, तो संयोजिका ने पूछा कि इतना रुपया क्यों निकाल रहे हैं, जबकि मदरसा में दैनिक उपस्थिति 20 से 25 छात्र का ही होता है, तो इतना रुपया क्यों निकालना चाहते हैं। तो सचिव बोले कि रुपया निकासी करके मदरसा में एक कमरा बनाना बहुत जरूरी है, अगर कमरा नहीं बना तो मदरसा रद्द कर देगा और मदरसा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद संयोजिका सच्ची खातून बैंक जाने के लिए तैयार हो गई और 65,000 रुपये की निकासी की गई और सारा रुपया मोहम्मद खुर्शीद ने रख लिया, लेकिन आज तक कोई कमरा नहीं बनाया गया। पूर्व में भी अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इस कोरोना महामारी में जब पूरा देश जूझ रहा है और अध्यक्ष और सचिव के द्वारा MDM की राशि मनमाने ढंग से छात्रों के बीच बांटकर शेष राशि अध्यक्ष और सचिव गबन कर ले रहे हैं, ऐसे में अभिभावकों द्वारा राशि मांगने पर उसे डांट फटकार कर मदरसे से भगा देने की बात करते हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त गोडा से मामले की जांच कर दोषी अध्यक्ष सचिव के ऊपर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन है। क्या मामला है? हम संयोजिका के पति हैं और हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ हो रहा है और हिसाब जब मांगते हैं तो मतलब गाली गलौज करता है और ये कहता है कि मतलब हिसाब तुमको हम क्यों देंगे। कौन चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं? ये खिचड़ी उचड़ी का जो हिसाब और बच्चे का जो पैसा आता है, ये आया है इसमें लॉकडाउन में, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं हो, वो लोग मनगढ़ंत करता है सचिव और अध्यक्ष से मिलके और उल्टी सीधी बात होता है। और ये भी कहता है कि तुमको अगर हाँ हिसाब अगर तुम मांगोगे तुमको मदरसे के पद से हटा देंगे। और दूसरी बात यह है, यह भी धमकी देता है कि तुम्हारे ऊपर कोई केस करके फंसवा दूंगा, ये सारी बात है। तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ आवेदन वगैरह दिए? आवेदन हम दे चुके हैं। क्या अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।